अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है और अगले 6 महीने तक ये प्रभाव डाल सकता है, लेकिन अलग अलग राशियों पर भी इस ग्रहण के प्रभाव पड़ेंगे। राजनैतिक और सामाजिक रूप से तो पड़ेंगे ही, राशियों के जीवन में भी इस ग्रहण के प्रभाव दिखाई देंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, सूर्य ग्रहण की वजह से आपको अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खास तौर से अगले 1 महीने में आप स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहेंगे। इस समय आपका आकस्मिक स्थान परिवर्तन हो सकता है, इस समय आपका सडन चेंज हो सकता है, अचानक स्थान परिवर्तन की संभावना बन सकती है। करियर को लेकर के मेष राशि के लोग इस समय विशेष रूप से सतर्क रहेंगे, करियर में कोई रिस्क नहीं लेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके करियर में समस्याएं आ जाएं। करियर में मेष राशि वालों को इस समय समस्या से बचना होगा। तो अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का और अपने करियर का मेष राशि वालों को बहुत ध्यान देना होगा। और कोई मुश्किल परेशान ना करे, ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े, इसके लिए ग्रहण के पश्चात, ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान करें। ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ और गेहूं का दान कर देते हैं तो निश्चित रूप से ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। वृषभ राशि, सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके लिए अनुकूल है, आपके लिए लाभकारी है और वृषभ राशि वालों के इस समय रुके हुए काम पूरे होंगे। अगले 1 महीने में वृष राशि वालों के तमाम रुके हुए काम जरूर पूरे हो जाएंगे। अगर वृषभ राशि वाले कोशिश करें, कितनी भी कठिनाई हो आप अपना काम निपटा लेंगे। इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको करियर में बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं, यानी आपका छोटा सा प्रयास इस समय करियर में बड़ी सफलताएं दे सकता है। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएगी, आर्थिक रूप से आप लगातार ठीक होते जाएंगे, यानी आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, आपकी मुश्किलें हल होंगी और पैसे रुपए की स्थिति आपकी बेहतर होगी। पैसे रुपए को लेकर जो थोड़ी बहुत भी दिक्कत थी वो दिक्कत इस समय समाप्त होगी। तो वृषभ वालों के लिए ग्रहण के परिणाम और ग्रहण के प्रभाव अच्छे हैं। ग्रहण के दौरान अगर आप शिव मंत्र का जप करें, जब ग्रहण चल रहा हो उतने समय में 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्रहण के परिणाम और प्रभाव आपके लिए शुभ होंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण बेहतर परिणाम दिखा रहा है। मिथुन वालों को भी ग्रहण के परिणाम और प्रभाव बेहतर दिखाई दे रहे हैं। मिथुन वालों का स्वास्थ्य
इस समय बेहतर होता चला जाएगा। मिथुन वालों के स्वास्थ्य की स्थिति में लगातार इम्प्रूवमेंट होगा और अगर आप कोशिश करेंगे, आपकी राशि मिथुन है, तो आपको करियर में नए अवसर इस समय मिल सकते हैं। आप अगर नौकरी बदलने का या नौकरी में किसी परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपको परिवर्तन से लाभ हो सकता है और करियर में नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। करियर की दिशा और दशा बेहतरीन हो सकती है और अगर आप कोई चेंज ऑफ प्लेस चाहते हैं, अगर आप कोई स्थान परिवर्तन चाहते हैं, इस समय आपका अनुकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस समय आपके लिए फायदे की स्थिति दिखाई दे रही है। तो मिथुन वाले अगर प्रयत्न करें तो करियर में एकदम से सुधार हो सकता है। करियर में अनुकूल स्थान परिवर्तन होता हुआ भी मिथुन वालों के लिए दिखाई दे रहा है, मामला अच्छा है। आप क्या करेंगे? ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करिए, किसी गरीब आदमी को दे दें, गाय को खिला दें, जैसा भी संभव हो। ग्रहण के बाद अगर गुड़ का दान करें तो ग्रहण के प्रभाव आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर होंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।